अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग गुड और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आई होप कि आज की वीडियो जो है वो आपको थोड़ी स्पेशल लगेगी। एक्चुअली दिस इज़ द वीडियो वेयर आई एम गोना ट्रैवल लाइक अ फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान ट्रेन। तो इसका इंट्रो मैं इसके बाद में शूट कर रही हूँ। लाइक आई एम बैक फ्रॉम क्वेटा एंड ये जब मैं क्वेटा से लाहौर आ रही थी तो आई ट्रैवल फ्रॉम पाकिस्तान ट्रेन फर्स्ट टाइम और आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस, क्योंकि चाइना में मैं हमेशा ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ और मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान की ट्रेन से ट्रैवल करके देखती हूँ कि ये किस तरह की होती है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग फॉर मी इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड एक्सपीरियंस। तो वाई इट वॉज़न्ट अ गुड एक्सपीरियंस मैं आपको ये अपनी वीडियो में दिखाऊंगी एंड सो प्लीज़ वॉच द होल वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियोज, शेयर द वीडियोज एंड सो लेट्स गो, लेट्स सी। ये फीलिंग ही मस्त है ना कि ट्रेन के आगे आपकी गाड़ी आगे खड़ी हो गई है। ओह वाओ, वो बिजनेस क्लास में जस्ट लविंग इट। भाग के कैसे बैठेंगे? मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ ये। बिस्मिल्लाह यार, बैठ जाओ बैठ जाओ। बैठ ही जाएंगे, दिल मैनेज। खान खान साहब है बेटा, बैठ जाएंगे। अब देखो कितने चिल्लो हो जा रहे। अल्लाह के राह में कोई काम करे, नहीं कोई हादसा भी शहीद हो। अगर आप मेरी अभी ये ट्रेन है 510 ना, एडबी एडिटर। तो हाय गाइस, ये है मेरा चीज चीज और हमारी बिजनेस क्लास। आपको पता है पैसे तो दरख्तों में लगते हैं हमारे लिए। Look at the mountains and the sky. मस्जिद इन्होंने लेकिन बहुत डेकोरेट की हुई है। इंशाल्लाह वन डे आई विल कम फॉर अ रोड ट्रिप हियर। I wanted to record as many things as I could, लेकिन the train was not comfortable at all. Maybe मेरा पहला ट्रिप था ट्रेन पे, सो आई वॉज अनकम्फर्टेबल। एक्चुअली सीट्स वर गुड, आई बॉट अ बिजनेस क्लास बट इट वॉज अ लिटल स्मेली और उसके साथ साथ वो ट्रेन बहुत ज़्यादा हिल रही थी जिसकी वजह से आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल। इवन आपने देखा कि मेरी अम्मी चाय भी नहीं पी पा रही थी। सो आई थिंक फॉर अ स्मॉल ट्रिप इट्स फाइन, बट अगर आप 24 आवर्स का सफ़र कर रहे हैं तो और आपके थोड़े नखरे हैं तो इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। बट द सीनरी वॉज गुड एंड आई इन्जॉयड इट।
एटलीस्ट जिंदगी में एक ना एक एक्सपीरियंस तो आपको करना ही चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से हम ये देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दिस प्लेस। और इसके अंदर ये भी वही है, फायदा अच्छा ही है ना, हमने पीछे से ले लिए। कितने पैसे हुए? 260। So since I was sleeping on the upper bed, so this is all I could record or recommended or not recommended, you can decide by yourself. Goodbye, Allah Hafiz.